हेडिंग डालेंगे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, चाल समय और दूरी। ठीक है, देखो जैसे चैप्टर का ही नाम क्या है कि चाल समय और दूरी, तो हमें यहां पे किन किन चीजों का यूज करना है, इन तीनों का यूज करना है कि चाल टाइम और डिस्टेंस सब है जी। तीन ही फॉर्मूले हैं, पहला है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी, सेकंड आपका समय बराबर, इसका उल्टा हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, यानी कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाएगा आपके यहां पे स्पीड, और एक बचती है फिर आपकी दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब सबसे बड़ी बात आती है कि चाल होती क्या है, ये जो चाल है इसमें क्योंकि ठीक है जी समय भी ठीक है दूरी भी ठीक है, ये चाल क्या होती है? तो चाल देखो मैं आप लोगों को बता दूं, चाल जो होती है आपकी, चाल एक घंटे में ठीक है किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। चाल क्या होती है कि भाई एक घंटे में किसी व्यक्ति व्यक्ति या कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक है, स्पेशल ध्यान रखना कि चाल होती क्या है कि भाई एक घंटे में अगर कोई चीज जितनी भी दूरी तय करती है वही उसकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। जैसे तुम नॉर्मली कह देते हो कि भाई जो मोटरसाइकिल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, 80 किलो, भाई जब भी हम चाल को लिखते हैं कैसे लिखते हैं कि भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रति घंटा का मतलब क्या होता है कि भाई एक घंटे में वो चीज जो है वो 60 किलोमीटर जा रही है, या कोई व्यक्ति है वो क्या कह देगा कि जी मैं तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकता हूँ, मतलब कहने का क्या है उसका कि जी मैं एक घंटे में 5 किलोमीटर जा सकता हूं। तो यही तो आ रहा है कि एक घंटे में किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो ये यही तो है कि भाई जो वस्तु है, मान लो कोई मोटरसाइकिल है गाड़ी है, तो वो एक घंटे में कितना जाती है, 60 किलोमीटर, वही क्या बन गई उसकी चाल। कोई व्यक्ति है तो वो एक घंटे में कितना जाता है, 5 किलोमीटर, तो वो क्या बन गई उसकी चाल। ठीक है, तो चाल को आप कैसे परिभाषित करोगे कि भाई एक घंटे में किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा या किसी ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। ठीक है, अब देखो जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे चाल और समय का एक रिलेशन रहता है, इनमें ना यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। कैसे कि भाई एक तो चीज आप देखो, बल्कि तीनों में ही रहता है कि चाल में समय में और दूरी में। दूरी से स्टार्ट करेंगे हम इसे, दूरी से कैसे स्टार्ट करेंगे, मान लो दूरी है आपकी किलोमीटर में, ठीक है, तो चाल किसमें मिलेगी, किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, ये फिक्स है, चाहे आपको, क्योंकि हम क्या करेंगे दूरी और समय के साथ तो हम बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी चाल को कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। तो अगर दूरी किलोमीटर में दी है तो हमें चाल किसमें करनी पड़ेगी, किलोमीटर प्रति घंटा, और जब हम सोल्व करेंगे तो जो टाइम आएगा वो किसमें आएगा आपका, आर्स में आएगा। ठीक है, दूसरा आएगा आपका जब दूरी आपको दे रखी होगी किसमें, मीटर में। ठीक है, अब देखो आपको पता है किलोमीटर है तो किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल है मीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर के साथ हमेशा किसमें आएगी, सेकंड में आएगी, और समय भी किसमें आएगा, देखो ये घंटा था तो यहां भी घंटे हैं, यहां सेकंड है तो समय यहां किसमें आएगा, सेकंड में। ठीक है,
तो यहां आपको यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है, कैसे कि किलोमीटर दूरी है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और समय घंटे में, दूरी मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में और समय किसमें, सेकंड में, ठीक है। उसके बाद आएगा कि जी अगर क्वेश्चन में ना मिला तो हम क्या करेंगे, तो देखो अगर तुम्हारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है और तुम्हें उसे कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो आप किससे गुना करोगे, अपनी चाल को गुना कर दोगे 5/18 से, ठीक है। अगर मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है और कन्वर्ट किसमें करना है, किलोमीटर प्रति घंटा, भाई इन दोनों में ही तो कन्वर्ट होगी, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में होगी या मीटर प्रति सेकंड में होगी, तो अपनी चाल को हम गुना कर देंगे 18/5, मतलब आपको ये दोनों नंबर याद रखने हैं, 5/18 और 18/5। कंफ्यूजन होगी कि कब कौन से को लगाना है, तो जब बड़े नंबर से, ये बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर प्रति घंटा और ये मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है, तो जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाओगे तो छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की, भाई छोटी यूनिट है किसमें कन्वर्ट करना है, बड़ी यूनिट में, तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, मतलब जिस यूनिट को कन्वर्ट करना है ना, जैसे मीटर प्रति सेकंड को किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर, तो किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब बड़ी यूनिट है तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नीचे, बड़े नंबर से किसमें कन्वर्ट करना है, छोटे वाले में, तो छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे। ये दो चीज आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। इन तीनों फॉर्मूले के अलावा एक फॉर्मूला और लगता है, वो होता है आपका औसत चाल का, एवरेज स्पीड पूछ लेता है कई बार। तो एवरेज स्पीड देखो दो तरीके से निकाली जाएगी, एक कंडीशन होगी जिसमें केवल तुम्हें चाल चाल दे रखी होगी, बाद में नोट कर लेना पहले समझ लो, एक कंडीशन दे रखी होगी तुम्हें कि तुम्हें केवल चाल चाल दे रखी होगी, ठीक है, वहां हम फॉर्मूला लगाएंगे कि 2 × xy / x + y, ठीक है, कि भाई दो चाल दे रखी होंगी हमें और उनका औसत निकालना है, तो कंडीशन क्या लग जाएगी ये वाली, या फिर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं, अगर फॉर्मूला याद करना है तो ये कर लेना, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक तो है, या एक कंडीशन आएगी औसत चाल में जब तुम्हें दूरी दे रखी होगी और चाल दे रखी होगी, दो दो चीज दे रखी होगी, तब हमारा फॉर्मूला लगेगा कुल दूरी बटे कुल समय। क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो एक क्वेश्चन तो आपसे सिंपल कह देगा, मैं औसत चाल में बता रहा हूं कि एवरेज स्पीड निकालनी है आपको, मान लो तो एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा कि भाई एक व्यक्ति है जो 26 किलोमीटर की दूरी 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और 40 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, बताइए उसके द्वारा या उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे, कुल दूरी बटे कुल समय। अब समस्या क्या आएगी, यहाँ पे दूरी तो है लेकिन समय नहीं है, क्योंकि हमें क्या दे रखी है, चाल दे रखी है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका समय, समय कैसे निकलता है, दूरी बटे चाल से, दूरी कितनी है, डिवाइड किससे करना है, तो पहली यात्रा में कितना समय लगा, 2 घंटे, दूसरी यात्रा में कितना लगेगा, 5 घंटे, ठीक है, अब टोटल टाइम कितना हो गया, 7 घंटे, और हमें फॉर्मूले में क्या है कि औसत चाल बराबर क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब दूरी कितनी चली है उसने, 40 ये 26 ये कितनी हो गई, और समय कितना लगा है टोटल, तो 7 × 63 बचा कितना, 3/7, तो उसकी औसत चाल जो आ जाएगी वो 3/7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ना तो यहाँ 9 × 3/7 था ना यहाँ सही, औसत निकाला है तो कैसा है, एक नया नंबर निकल गया है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन औसत चाल में क्या आती है, कह देगा एक व्यक्ति अपनी कुछ दूरी या फिर आधी दूरी को 15 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से तय करता है और शेष आधी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, बताइए उसकी औसत चाल कितनी है, तो आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले को लगा दो कि 2 × 15 × 20 कितना हो जाएगा, 35, क्योंकि x प्लस वाई 35 हो जाएगा, सोल्व कर लो, 5 × 5 = 70, 20 × 20 = 60 × 2 = 120, 120 और 120 बटे 7, 7 एकम बचा कितना, 5,
49 एक बटे, तो 17 सही 1/5 किलोमीटर प्रति घंटा यहां से आपकी औसत चाल आ जाएगी। ठीक है, अगर दूरी दे रखी है तो इस तरीके से निकाल देंगे, दूरी नहीं दी है तो इस तरीके से निकाल देंगे, केवल चाल चाल दे रखी है। बात क्लियर है? अब नोट कर लो इसे, जितना भी आपका डाटा है, बस ये क्वेश्चन मत करना, ये कर लो बस। आसान चैप्टर है ये भी, बहुत कैलकुलेशन है बस। सापेक्ष चाल है जी, सापेक्ष चाल को अंग्रेजी में बोलते हैं हम रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है? देखो जब, क्योंकि यहां पे हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, चाल समय दूरी, और चाल किसकी होती है? गतिमान वस्तुओं की। ठीक है, अब गतिमान वस्तुओं में जब एक चीज होगी तो सिंपल है, लेकिन जब दो चीजें एक साथ चलेंगी तो वहां पे काम करेगी हमारी रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट। रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट कैसे काम करेगा कि भाई देखो, रिलेटिव स्पीड में ना दो कंसेप्ट होते हैं, या तो जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे। ठीक है, मतलब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, या फिर क्या हो रहा होगा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे। ठीक है, अब जब सेम डायरेक्शन में होंगे, जैसे मान लो ये कोई स्थान है ए और ये है कोई स्थान बी। ठीक है, ऐसे इसमें भी आ जाएगा कि भाई ये स्थान है ए और ये स्थान है आपका बी, तो सेम डायरेक्शन कैसी होगी कि मान लो कोई गाड़ी है वो स्थान ए से चलती है, ठीक है, और दूसरी गाड़ी भी कार वन और कार टू, ये भी कहां से चलती है, स्थान ए से ही चलती है, जबकि इसमें क्या होगा कि कार ए चलेगी या कार वन चलेगी स्थान ए से, और कार टू कहां से चलेगी, स्थान बी से। तो जब सेम डायरेक्शन होंगी तो देखो तीन ही चीजें होती है, क्योंकि तीनों यही चलेंगी, स्पीड और इसमें डिस्टेंस, टाइम नहीं आएगा इसमें, स्पीड और डिस्टेंस की बात होगी। ठीक है, तो जब आपके दोनों ऑब्जेक्ट चलेंगे सेम डायरेक्शन में तो जो स्पीड है वो आपकी हो जाएगी माइनस, और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो स्पीड क्या होगी आपकी, प्लस, और जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, वो हमेशा प्लस ही होगी। ठीक है, मतलब डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, केवल इफेक्ट किस पे आएगा, स्पीड पे आएगा। कब आएगा, रिलेटिव स्पीड वाले कंसेप्ट में। ठीक है, कि जब सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट जा रहे होंगे तो क्या करोगे आप, सबसे पहला काम है चाल को माइनस कर देनी है हमें। ठीक है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तब क्या करोगे, चाल को प्लस कर दोगे। तो ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट भी नोट कर लेना।